नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इंपोर्टेंट चीज है आपकी फिनोल की कन्वर्जन है या फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टी समझ लीजिए इसको। ये बोर्ड एग्जाम में आती है और ये कुछ ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे तौर पर रखे हुए हैं जो बिल्कुल आपको देखते ही आ जाना चाहिए। उसमें देखें कुछ नहीं है, केवल ये हमारा फिनोल कंपाउंड दिया गया है, फिनोल की रिएक्शन आपको ब्रोमीन के साथ कराना है। यहां पर भी देखो फिनोल ही है, फिनोल ही है, फिनोल की रिएक्शन यहां भी ब्रोमीन के साथ कराना है। बस आपको याद ये रखना है कि ये जो ब्रोमीन है, देखिए अकेला ब्रोमीन है और ये CH2 की प्रेजेंसी में हो रहा है, लो टेम्परेचर पर होती है रिएक्शन, कम तापमान पर होती है। ठीक है, जब नॉर्मल हैलोजिनेशन होता है इसका, ब्रोमिनेशन बोलते हैं हम इसको, हैलोजिनेशन भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, फेनॉल का ब्रोमिनेशन करने पर क्या होगा, जब फेनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं तो क्या होता है, या फिर आपको ऐसे ही लिखा जाता है कि आप यहाँ का प्रोडक्ट लिखें। तो जब भी आपको फेनॉल लिखा हो और इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ आपको कराना हो और सीधा नॉर्मल ब्रोमीन हो, तो आपने पढ़ा होगा लेसन में कि ये जो फिनॉल एनिलीन कंपाउंड वगैरह होते हैं, ये दो प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं, एक मेजर और एक माइनर। ठीक है, मेजर और एक माइनर, यानी एक प्रमुख कंपाउंड और एक गौण कंपाउंड जो कम क्वांटिटी में बनता है। तो देखें जब नॉर्मल ब्रोमिनेशन होगा इसका, तो मेजर और माइनर आपको पोजीशन भी पता होगा बेटा, एक ऑर्थो पोजीशन पर बनता है और एक पैरा पोजीशन पर। तो ये हमारा फिनॉल है, फिनॉल है, और ये ब्रोमीन जो है वो एक बनता है ऑर्थो पोजीशन पर, इस पोजीशन को बोलते हैं आप ऑर्थो, ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल, इसको आप क्या बोलोगे, ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल। ओके, और जो दूसरा कंपाउंड बनता है जिसको मेजर कंपाउंड बोलते हैं, ये माइनर है बेटा, और आपका मेजर कंपाउंड जो है वो ये बनेगा, मेजर कंपाउंड जो है वो आपका बनेगा पैरा ब्रोमो फिनॉल, ये आपका मेजर कंपाउंड है। ठीक है, यानी जब भी फिनॉल का ब्रोमिनेशन होगा या फिनॉल का हेलोजिनेशन होगा नॉर्मल ब्रोमाइन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ CH2 भी लिखा होता है वहां पे, नहीं भी लिखा हो तो आपको याद रखना है, नॉर्मल अकेला ब्रोमाइन लिखा हो तो आपको ये प्रोडक्ट देना है, ये माइनर ये मेजर, ऑर्थो और पैरा। लेकिन बस आपको ये वर्ड याद रखना है, ये AQ एक्वास, यदि यहां पर ब्रोमाइन की रिएक्शन एक्वास के फॉर्म में हो, यानी फिनॉल की अभिक्रिया एक्वास ब्रोमीन, एक्वास का मतलब हिंदी में बोलते हैं जलीय माध्यम में या जलीय ब्रोमीन के साथ, लीजिए जलीय ब्रोमीन के साथ यदि एक्वास ब्रोमाइन के साथ हो रही है, तो आपको यह कंपाउंड नहीं बनाना, कतई नहीं बनाना। जब भी फिनॉल एनिलीन की रिएक्शन भी इसी के साथ होती है, एनिलीन यदि आप NH2 लगा के आप रिएक्शन कराओगे, तो आपको याद रखना है टोलुइन के साथ भी यही रिएक्शन होती है। ठीक है, यानी अब फिनॉल की रिएक्शन आप एक्वास ब्रोमाइन के साथ कराते हो, हेलोजिनेशन कराते हो एक्वास मीडियम में, तो याद रखना है ब्रोमीन तीन पोजीशन पर जुड़ेगा यदि एक्वास मीडियम है। बस आपको ये याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में यही चीज आपको लिख देते हैं, वो यहाँ पर एक्वास लिख देते हैं और हम लोग मेजर माइनर में कन्वर्ट करके चले जाते हैं और हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, जब भी एक्वास हो जलीय ब्रोमीन हो, तो आपको क्या करना है, फिनॉल बनाकर तीन पोजीशन पर ब्रोमाइन को अटैच कर देना है, ऑर्थो पैरा और ऑर्थो, ये कम प्रोडक्ट आपका बनेगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, ये टू पोजीशन 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6 कितने ब्रोमाइन है, ट्राई ट्राई ब्रोमाइन, और आपका काय के साथ कंपाउंड है, फिनॉल के साथ, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। ठीक है, इसको हम TBPB बोलते हैं, ट्राई ब्रोमो फिनॉल। ओके, तो आपको ये समझना है कि जब भी फिनॉल हो एनिलीन हो, उसकी अभिक्रिया नॉर्मल ब्रोमाइन के साथ हो, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा, और यदि वो एक्वास ब्रोमाइन दे दे आपको, जलीय ब्रोमीन दे दे, तो आपको 2, 4, 6 यानी आपको तीन पोजीशन पर ब्रोमाइन को अटैच करना है। ऐसे हम और वीडियो लाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक।